दोस्तों, अगर आपके पास एक T500 स्मार्ट वॉच है और अगर वो डेड हो चुका है, चार्ज नहीं हो रहा है, चार्जिंग प्रॉब्लम है, तो उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इस वीडियो में देख पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वॉच है T500, ये जो है पूरा डेड हो चुका है, इसमें चार्ज नहीं हो रहा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे और इसका क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा, और इसको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको डिटच कर लेते हैं, इसका जो स्ट्रैप्स है इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो स्ट्रैप्स है वो डिटच हो चुका है, अभी हम इसको खोलेंगे। दोस्तों, इसका जो खोलने का तरीका है वो, ये जो डिस्प्ले है ये निकल जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप हीट दोगे, किसी भी तरीके से अगर आप थोड़ा सा हीट दोगे, इसका जो ग्लू है वो यहाँ से जो है अलग हो जाएगा और आराम से इसको आप निकाल पाओगे। तो मैंने जो है इस वॉच को पीछे से खोल लिया था और इसका जो स्क्रूज़ है, पीछे का जो स्क्रूज़ है वो टूट गया, तो इसलिए मैं इसको पीछे से खोल रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर आगे से खोलना, इसका जो डिस्प्ले है ये आराम से निकल जाता है। तो सिंपली मैं इसको पीछे से खोल लेता हूँ, इसके लिए मैं एक लाइटर से इसको थोड़ा सा हीट करूँगा। अब एक ब्लेड की मदद से आराम से इसको जो है मैं यहाँ पे खोलूंगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो वॉच है वो यहाँ पे ओपन हो गया है, और मैंने जो है इसे पीछे से खोला, इसीलिए इसका जो स्क्रूज है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, स्क्रू जो है मैंने इसको तोड़ ही दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्क्रूज है ये आगे से लगे हुए रहते हैं, तो आप इसको ज़रूर आगे से खोलना। इसका जो डिस्प्ले है ये आराम से निकल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसमें आपको थोड़ा सा हीट डालना है और ये जो है आराम से किसी ब्लेड की मदद से आप इसको आराम से निकाल सकते हो, तो ये आराम से निकल जाता है। तो सिंपली हम इसको अभी क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी इसके पॉइंट्स हैं, तो हमारा जो चार्जर कनेक्ट होता है ये है यहाँ से, इसका है पॉइंट, ये जो है पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो, चार्जिंग पॉइंट यहाँ से कनेक्ट होता है यहाँ पे, और उसके बाद बैटरी जो है हमारा चार्ज होता है। तो दोस्तों, इसी में ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी में होता है, और आपका जो प्रॉब्लम है शायद इसी से हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट्स है इसको आपको सबसे पहले थोड़ा घिस के इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है कार्बन जम जाता है और ये जो है चार्ज नहीं हो पाता। अगर ये सही है तो आपका जो है इसमें थोड़ा सा आप घिस लो, यहाँ पे भी जो है ये जो पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट होता है, और ये जो बाहर वाला जो पॉइंट्स है दोस्तों इसको भी थोड़ा सा आपको घिस लेना है, ताकि आपका जो चार्जर है वो सही से कनेक्ट हो पाए और आपका वॉच जो है चार्ज हो पाए। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को घिसने के बाद आप जो है एक बार ट्राई कर लेना। दोस्तों, फिर भी अगर आपका चार्जिंग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो वायर लिया है जो कि कोटेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो शायद। तो इन दोनों जो पॉइंट्स है दोस्तों, इनको मैंने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने सोल्डिंग किया है, यहाँ पे भी सोल्डिंग किया है, और इन दोनों पॉइंट्स को जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया है, और ये जो वॉच है ये फिर से चार्ज होने लगा मेरा। तो आप भी यही करना अगर आपके वॉच के साथ सेम प्रॉब्लम है तो। दोस्तों, बैटरी का जो पॉइंट है इसको भी आप थोड़ा चेक कर लेना, अगर सही है तो सही है, अगर सही नहीं है तो आप इसको भी थोड़ा सा घिस के इसको फिर से आप सोल्डिंग कर लेना, ताकि आपका जो बैटरी की चार्जिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और उसके बाद आपको फिर से सही से इस वॉच को जो है दोस्तों बंद कर देना है, और आपका जो वॉच है इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।